पंचायत ने अभियान के 16वें चरण में और आप सब लोग सतत इस अभियान में रेगुलर भाग ले रहे हैं, उसके लिए हम सरिस्का परिवार की ओर से और युवा जागृति परिवार की ओर से अभिनंदन करते हैं। और जिस संकल्प के साथ हमने इसको स्टार्ट किया है, मैं जितेंद्र जी से आग्रह करूंगा कि आज इस 16वें चरण का शुभारंभ करें। जितेंद्र जी, आप यहाँ पे सभी का स्वागत है और पांच पखवाड़े हमने पूरे कर लिए, पांच चरण पूरे कर लिए, अब 16वें चरण में हम काम करेंगे। पांडुपोल भर्तरी मेला अभी जस्ट निकल के गया है तो आपको कुछ जंगल गंदा भी दिखेगा, लेकिन पिछले 15 चरणों में जब हमने काम किया तो काफ़ी स्वच्छ हो गया था जंगल। तो उसी तरह से पहले जैसे पुराने लोग बहुत काम करते आए उसी तरह से अब इस बार भी करना है, लेकिन कुछ सावधानी भी रखनी है। जंगल में जैसे पॉलीथीन को उठा रहे हैं तो कहीं कीड़ा नहीं हो वहाँ पे, इन चीज़ों का पूरा ध्यान रखना है। जो भी पॉलीथीन आती है उसको कट्टे में डालना है और एक ट्रॉली भी साथ साथ चलेगी तो उसमें डालना है। अगर ट्रॉली नहीं है तो वहीं रोड पर रख देंगे, हम बाद में उठा लेंगे उसको, ठीक है। इस तरह से बहुत फास्ट काम करना है और हम 4-5 टीम बना देंगे, ग्रुप बना देंगे, उनके साथ हमारा फॉरेस्ट का एक आदमी भी होगा। तो अपने अपना अपना जो एरिया दिया गया है उस एरिया को पूरी तरह से क्लीन करना है। चारण्य अभियान के इस 16वें चरण में आज युवा जागृति संस्थान के वॉलेंटियर्स की टीम और सरिस्का की जो टीम है उसके साथ मिलकर और पूरे के पूरे अभ्यारण्य के दोनों तरफ के मुख्य जो रास्ते हैं उनके दोनों किनारों पर जो पॉलोथीन्स वगैरह जो गिरी हुई है उन्हें वॉलेंटियर्स एकत्रित करके और जंगल से बाहर ले जाने का काम कर रहे हैं। लगातार सतत इस 15 चरणों को पूरा करने के बाद आज इस 16वें चरण में पूरी टीम अपने उसी उत्साह और उस उमंग के साथ इस स्वच्छ अभ्यारण्य के लिए जो चलाए गए स्वच्छारण्य अभियान में जुड़कर अपना योगदान दे रही है। हम आप लोगों से भी अपील करते हैं कि जो लोग राहगीर यहां से गुजर रहे हैं या जो लोग अपनी पिकनिक के दौरान अभ्यारण्य का भ्रमण करते हैं वो लोग भी इस बात का विशेष ख्याल रखें कि ये सरिस्का हमारा है, हमें अपनत्व की भावना रखकर और इसकी संरक्षण और सुरक्षा में अपना योगदान देना है। कोई भी पॉलोथीन या इस प्रकार का खाद्य पदार्थ खाकर आप जंगल में ना फेंकें। हमारे वॉलेंटियर आपसे पूरा करबद्ध निवेदन करते हैं कि इस अभियान को सफल बनाने में आप भी अपना योगदान दें, आगे आएं, अभियान का हिस्सा बने और हमारे अभ्यारण्य को स्वच्छ बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। धन्यवाद।
के लिए किस तरह से लोगों को जागरूक कर सकते हैं? हम हमारे पेरेंट्स के थ्रू, आपके कोई क्लास आती हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके थ्रू और लोगों को भी कोई कचरा फेंक रहा है उसको भी हम कह सकते हैं कि आप ये सही जगह नहीं है जो कचरा फेंक रहे हैं, आप उसको डस्टबिन में ही डालें, प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करें, क्योंकि 1 जुलाई से प्लास्टिक भी बैन हो गया है। सिंगल यूज प्लास्टिक का नाम सुना है? नाम से ही स्पष्ट है, सिंगल यूज का मतलब ऐसा प्लास्टिक जो एक बार यूज किया जाता है फिर उसको हम फेंक देते हैं। जैसे आपको सब्जी फ्रूट्स उनके लिए जो पॉलीथीन आती है वो सिंगल यूज प्लास्टिक में आती है, तो ऐसे सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग हमें नहीं करना है। उसका सबसे बड़ा तरीका क्या है, आप कपड़े का थैला जैसे पुराने समय में रखते थे, कपड़े के थैले से आप कभी भी सब्जी मंडी में जाएँ, कभी फ्रूट्स लेना हो, सब्जी लेना हो तो उसी में हम लें, तो ये सबसे एक तो बड़ा योगदान आपका ये हो सकता है, ठीक है। दूसरा, जो कचरा जहाँ नहीं डालना चाहिए वहाँ नहीं डालें, और जो हमारा डिस्पोजेबल जहाँ पे हो कचरा पात्र हो वहीं हमारा डालना चाहिए, ये सबसे बड़ा मैसेज आप दे सकते हो, क्योंकि आपकी पीढ़ी है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आप जैसे जैसे आप बड़े होंगे वैसे वैसे आप उस लेवल तक पहुँचेंगे कि जो लोग आज कचरा फैलाते हैं उस उम्र में जब आप पहुँचोगे तो निश्चित रूप से हमारे भी कचरा फैलना कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज 16वें चरण तक पहुँची है, उसमें सरका और पूरी सरिस्का टीम का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि जिस काम को आज आप लोगों ने अपनी एक हृदय की अंतर गहराई के साथ और अपने अभ्यारण से जुड़कर जो काम आप लोग लगातार सतत इन 16 चरणों में पूरा किया है, सर पूरी सरिस्का टीम का हम अपनी पूरी टीम की ओर से आभार व्यक्त करते हैं, और आपके नेतृत्व में सर सतत इसी तरीका प्रकार इस अभियान को हम आगे भी लेके चलेंगे। तो आज तो सर बच्चों को आप मोटिवेट करें, हमें खुशी होगी और प्रेरणा भी मिलेगी कि इसको हम और आगे लेके चलेंगे, तो मैं आपको ही आमंत्रित करूँगा सर। कि आपने जिस तरह से सरिस्का स्वच्छारण अभियान को एक अंजाम दिया है, ये बड़ा काम है बच्चों, बहुत महान काम कर रहे हो तुम लोग। हम भी आपकी जब उम्र में थे तो हम लोग NSS NCC के कैंप्स में जाते थे क्लीनिंग ऑपरेशंस के लिए। गर्व होना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि आखिर इस देश में, हमारे राष्ट्र में, हमारे राज्य में, हमारे समाज में आपके जैसे प्रेरकों की महती आवश्यकता है। मुझे ध्यान है जब शुरुआत आप लोगों ने की थी तो काफ़ी गूंज हुई थी, क्योंकि रणथम्भौर जैसे टाइगर रिजर्व में, अन्य टाइगर रिजर्वों में इस तरह के कई संस्थाएं काम कर रही हैं। तो मैं आप लोगों का कृतज्ञ हूं, आभारी हूं, और मैं आशा करता हूं कि इस अभियान को एक श्रृंखला के रूप में आगे बढ़ाते जाएं, और मुझे पूरा विश्वास है आप लोग इस सरिस्का टाइगर रिजर्व में स्वच्छता अभियान को साधते हुए, को लगातार निरंतर रखते हुए 4 चांद लगाएंगे, और जहाँ भी इस टीम सरिस्का, चूँकि आपको पता है मैं इंडिविजुअल क्रेडिट किसी को नहीं है यहाँ, आप भी उस टीम सरिस्का के सक्रिय सदस्य हैं। सो आप प्लीज़, आपसे अनुरोध है मेरा, क्योंकि एक बच्चा अपने माँ बापों को, भाई बहनों को, अगर मित्रों को अगर वो सीरीज़ में अगर इसको बढ़ाता है तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा बहुत महत्वपूर्ण योगदान हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे वन एवं वन्य जीवों के लिए होगा। और जो कि आज एक सुअवसर ऐसा था जब हमारे जो वन कर्मी हैं जिसमें वन अधिकारी भी शामिल हैं, जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते करते कुर्बानी दे दी जिन्होंने, तो उनके लिए आप लोगों ने उनको आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए मौन रखा, उसके लिए भी मैं कृतज्ञ हूँ। और आप प्यारे बच्चों ये समझ सकते हैं कि न केवल भारत सीमा पर जो है जवान लड़ते हैं, अंदर इस तरह की जो सीमाएं हैं हमारी, जो वन्य जीवों को बचाने वाली सेना, वो भी कहीं ना कहीं उतना ही महत्व रखती है जितना कि हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज रखती है।